बिहार में आरजेडी और जेडीयू की नई सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार हो गया है। भाजपा का दामन छोड़ तेजस्वी यादव के साथ महागठबंधन करने वाले नीतीश कैबिनेट के नए मंत्रियों ने आज राजभवन में होने वाले समारोह में शपथ ली। कैबिनेट विस्तार में राष्ट्रीय जनता दल का दबदबा देखने को मिला। नीतीश सरकार में आरजेडी को ज्यादा मंत्री पद मिले हैं। नीतीश सरकार में आरजेडी के दबंग विधायक सुरेंद्र यादव को भी मंत्री बनाया गया है। सुरेंद्र यादव बिहार के बेलागंज से विधायक हैं, जो पिछले 30 साल से यहां के विधायक बने हुए हैं। सुरेंद्र यादव की पहचान एक दबंग विधायक और बिहार राजनीति के ताकतवर चेहरे के रूप में की जाती है। अब तक सुरेंद्र यादव 2 बार जनता दल और 5 बार आरजेडी से विधायक रहे हैं। इलाके में हर तरीके से अपनी राजनीतिक छवि मजबूत रखने वाले सुरेंद्र यादव को हर बार जीत मिली है, भले ही किसी भी पार्टी का कोई भी प्रत्याशी उनके सामने रहा हो। सुरेंद्र यादव सबसे पहले उस समय सुर्खियों में आए जब उन पर 1991 में संसदीय चुनाव के दौरान पूर्व विधायक जयकुमार पलित को पीटने के आरोप लगे थे। साल 1998 में जहानाबाद से लोकसभा सीट से 13 महीने सांसद भी रहे, उस समय उप प्रधानमंत्री रहे लालकृष्ण आडवाणी के हाथों से महिला आरक्षण बिल छीनकर फाड़ देने के वाक्य से सुरेंद्र यादव की पहचान एक दबंग नेता के रूप में हो गई। हालांकि इसके बाद सुरेंद्र दोबारा कभी सांसद नहीं बन पाए। सुरेंद्र यादव के खिलाफ 3 दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। इन मामलों में कई मामले हत्या के प्रयास, आपराधिक साजिश और दंगे से भी संबंधित हैं। सुरेंद्र यादव के राजनीतिक सफर की बात करें तो साल 1959 में जन्मे सुरेंद्र यादव 1981 में पहली बार लालू यादव के संपर्क में आए। उस समय लालू लोक दल पार्टी के सदस्य थे। 1985 में लोक दल से जहानाबाद सीट पर लोकसभा चुनाव में टिकट मिला, लेकिन सुरेंद्र यादव को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि इसके बाद 1990 में बेलागंज विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने 55,000 से अधिक वोटों से जीत दर्ज की, जिसके बाद से वो इस सीट पर लगातार जीतते चले आ रहे हैं।